और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, राम मंदिर को लेकर सीएम योगी की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। मंत्री दया शंकर सिंह, सूर्य प्रताप शाही इस बैठक में मौजूद हैं। कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक चल रही है। निर्माण कार्य की रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी, कुछ अधिकारियों से नाराज भी हैं सीएम, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी बैठक चल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कई अधिकारी मौजूद हैं। आपको बताएं कि कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल हैं, कुछ अधिकारियों से नाराज भी हैं सीएम। मंत्री दया शंकर सिंह, सूर्य प्रताप शाही भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है जिसमें कई अधिकारी बैठक में शामिल हैं, कई विभागों के अधिकारी। और आपको ये भी बताएं कि समीक्षा बैठक चल रही, निर्माण कार्य की रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी, कुछ अधिकारियों से नाराज हैं, ऐसी खबर आ रही है। बस कुछ दिन बचा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लगातार तैयारियों का दौर जारी है। समीक्षा बैठकें चल रही हैं और इसी को लेकर अहम बैठक ये चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। सीएम योगी बैठक ले रहे हैं, कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं। राम मंदिर पर सीएम योगी की अहम बैठक जारी है, कुछ अधिकारियों से नाराज हैं सीएम योगी, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हैं इस बैठक में, सूर्य प्रताप शाही भी बैठक में मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की जा रही है। निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा है इसको लेकर भी पूरा रिव्यू ले रहे हैं इस वक्त सीएम योगी। और ये भी खबर है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनसे नाराज चल रहे हैं सीएम योगी, हो सकता है उन्हें दिशा निर्देश दिए जाए, फटकार भी लगाई जाए, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बैठक को लेकर क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक लगातार चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरी बैठक को कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और चूंकि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षाएँ करते रहे हैं और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास से ये पूरी जो समीक्षा बैठक है वो की जा रही है, तमाम अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर भी जो है दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। चूंकि 22 को एक भव्य कार्यक्रम होना है, उससे पहले भी तमाम श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने जिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया है उन सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, टेंट सिटी की क्या तैयारियां हैं और रूट क्या कुछ रहेगा, इसके साथ साथ वहां पर अंतिम रूप अभी तक कार्य को दिया गया है या नहीं दे दिया गया है, इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और तमाम जो कार्य जो चल रहे हैं उनकी प्रगति है उसकी जो पूरी एक्चुअल रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।